यूज कैटेगरी के अंदर आपको रफली 2 लाख रुपए के आसपास मिल जाती है। तो 1.6 टेरा हैशेस का जो आपका माइनर है ये आपको विद पावर सप्लाई मैं दे दूंगा रेडी स्टॉक 90,000 रुपए। 12 टेरा हैश आप 1 मंथ बुकिंग पे 100% प्री ऑर्डर पे मुझसे अगर लोगे मैं आपको 2.49 लाख में दे दूंगा। KS5 Pro 21 टेरा हैशेस आपको अक्टूबर बैच मिल रहा है नियर अबाउट। So, नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका BGC माइनर्स में। तो गाइज आपके लिए लेके आ गए धासू सी वीडियो। देखो कास्पा का प्राइस बहुत ऊपर नीचे आ रहा है तो अपन इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम स्टैप्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले मैं तुम्हें बताता हूं भाई कास्पा की माइनिंग का फ्यूचर, फिर तुम्हें बताऊंगा कास्पा का प्रोजेक्ट है क्या, ठीक है, और जो लोग कास्पा का माइनर लगा के बैठे हैं किस प्राइसिंग में लगा के बैठे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी। फोर्थ थिंग जो मैं आपको कवर करूंगा वो ये कि प्राइजेस क्या चल रहे हैं। फिफ्थ थिंग के अपन इवेल्युएट करेंगे कि भाई हमें कास्पा का माइनर लगाना है या कोई और माइनर लगाना है, ठीक है। तो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछली वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो, एल्फियम पे बनाई थी, अच्छी रॉक सॉलिड थी, है ना। होपफुली आपका अच्छा खासा प्यार मिला, होपफुली आपको अच्छी लगी वीडियो, ठीक है। अगर ये ट्रेंड की वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो मैं और बना दूंगा, ठीक है। रिवर्ट अच्छा आ रहा है, पर्सनल क्लाइंट से बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, भैया अच्छा नॉलेज कंटेंट दे रहे हो, ठीक है भाई। नॉलेज तो है लेकिन ना थोड़ा सा वही होता है ना, कोई बंदा अप्रिशिएट करे तभी देते हुए मजा आता है। तो गाइज एक बात के कास्पा की माइनिंग का फ्यूचर, तो ये सबसे ज्यादा स्केप्टिकल चीज हो रखी है कि कास्पा की माइनिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो भाई फ्यूचर कास्पा की माइनिंग का बहुत ब्राइट है। मैं तुम्हें ना टेक्निकल और साइंटिफिक ग्राउंड्स पे ये बात समझा देता हूं। कास्पा की माइनिंग एक मतलब प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर सबसे तगड़ी डिसेंट्रलाइज, मतलब आपको अगर आपके पास पूल नहीं भी है तब भी आप इसकी माइनिंग कर सकते हो, ठीक है। ये कोई छोटी बात नहीं होती, इट इज द फास्टेस्ट डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग करंटली एट प्रेजेंट, ठीक है। प्लस आप ये लगा के चलो भाई इसकी मार्केट कैप बहुत छोटी है, $4 बिलियन के आसपास की मार्केट कैप है इसकी, ठीक है। तो मतलब $4 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है हमारे लिए, बट वेन वी टॉक अबाउट बिग प्लेयर्स इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, ओके, अंडरस्टैंड दिस। प्लस आपके जो बिटमैन आइस रिवर जो एक कंपनी है, ये $multi-billion कंपनी है और इन्होंने ह्यूजली इन्वेस्ट किया है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में। तो गाइस सोच के देखो कि भाई अगर मैंने गाय पाल रखी है, ठीक है, और उनसे मैं दूध निकालता हूं और मेरी दूध की बिक्री कम हो गई तो मैं क्या करूंगा, दूध के बेनिफिट्स बताना स्टार्ट करूंगा या फिर दूध के कंजम्पशन के ऊपर किसी तरह का इंसेंटिव दूंगा, ठीक है, ताकि भाई मेरी गाय वो वेस्ट ना हो जाए, राइट, बिकॉज वो मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली आप इस बात को समझो कि कास्पा के जो प्रोजेक्ट डिजाइंड हैं टू मैन्युफैक्चर इट, ओके, जो KS5 Pro 21 टेरा हैश 12 लाख रुपए का पड़ रहा है, भाई मान लिया कि वो कितने रुपए का भी पड़ रहा हो उनको, चाहे 1 लाख का पड़ता हो उनको, ठीक है, बाकी 1 लाख का नहीं पड़ता मैं बता देता हूं तुम्हें, लेकिन उसकी जो फैसिलिटी है वो 110% है कि वो $10 बिलियन की फैसिलिटी जरूर होगी। आज के टाइम पे अगर बिटमैन की बात करें तो वो $100 बिलियन की कंपनी है। केमिन आइलैंड में उसके 2 नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, 2 नई फैक्ट्रीज बन रही हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। पहले ये रेंडर करता था, अब इसको और एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए AI टेक्नोलॉजी की हेल्प लगती है। 2028 तक जो माइनर्स आएंगे वो 3 नैनोमीटर, ठीक है, NM की चिप्स पे आएंगे। अभी जो आप ऑपरेशंस कर रहे हो 5 NM चिप्स पे कर रहे हो, सबसे लेटेस्ट आपके 5 NM चिपसेट हैं। जो कंपनीज इस चीज को मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनका ह्यूजली इन्वेस्टमेंट इनके अंदर है, तो वो जब चाहे इसकी मार्केट कैप को डबल करके इसके प्राइजेस को इन्फ्लेट कर सकती हैं, ठीक है, और वो करेंगी भी, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं उनके साथ बैठ के दारू नहीं पीता कि मुझे पता हो कि भाई उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, बट अपने को 8 साल के एक्सपीरियंस से इतना समझ आ गया कि कब मार्केट उठेगी कब गिरेगी, कौन सा माइनर लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब गाइज आ जाओ, आप माइनिंग का मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया, तो भाई फ्यूचर बहुत ब्राइट है कास्पा का, ठीक है। अब भाई आप आ जाओ कि कास्पा का प्रोजेक्ट क्या है।
देखो जो कास्पा का रियल प्रोजेक्ट है ना, कि पहले इस बात को समझो कि इसमें यूनिक क्या है जो 2021 में लॉन्च होने के बाद, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ 25 पैसे से मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा है। मैंने अपने क्लाइंट्स को दो दो तीन तीन रुपये तक होल्ड करवाया है, 8-8, 9-9 गुना उन्होंने अपना पैसा किया है। आज भाई रिसेंट ऑल टाइम हाई 16 चल रहा है, आपकी ट्रेडिंग व्यू पे इसकी स्पाइकिंग 42 रुपीस तक की हुई है, 18 रुपये इसका एक जनरलाइज प्राइस है, ठीक है। जिस हिसाब से भाई इसकी डिफिकल्टी राइज अप कर रही है, जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, उस हिसाब से इसकी सप्लाई कर्टेल होएगी, डाउन होएगी, तो प्राइस क्या होगा? सप्लाई और प्राइस का मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगा, और अगर सप्लाई गिरेगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो डेफिनेट सी बात है गाइस के प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो प्राइस आपको, अब मैं आ जाता हूं कि कास्पा के प्रोजेक्ट को पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। कास्पा का प्रोजेक्ट किस तरीके का, ये समझा देते हैं आपको भाई। कास्पा का प्रोजेक्ट ब्लॉक डैग, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट अपने पर ब्लॉक की जो इसकी एवरेज है वो बहुत हाई है, ठीक है, ये पर ब्लॉक को सॉल्विंग के हिसाब से प्लस जनरेशन के हिसाब से बहुत हाई है, जो आपकी नाकामोटो कंसेंसस है, ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, नाकामोटो कंसेंसस आप लगा लो, उसका एक एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, एक एक बोलते हैं ऑर्फन ब्लॉकिंग, ठीक है, ऑर्फन ब्लॉकिंग आप ना सर्च करना, ठीक है, अगर आपको और टेक्निकल समझना है इसके बारे में। ऑर्फन ब्लॉकिंग को ये अवॉइड करता है अपनी ब्लॉक डेट टेक्नोलॉजी से, ठीक है, उससे इसको बहुत फायदा होता है। एंड इसके ना कुछ प्रोज मैं आपको बता देता हूँ, ये जब भी स्केलेबिलिटी, देखो ब्लॉक बिटकॉइन के साथ प्रॉब्लम क्या थी, ये 2009 में लॉन्च हुआ, ठीक है, इसकी स्केलेबिलिटी का इशू था, मतलब अगर मैं आपको एक BTC भेजता हूँ तो एक घंटा लगता है, ठीक है। लेकिन यही मैं बात करूँ बाकी नए प्रोजेक्ट्स की, इथेरियम की जो आपकी करंटली है वो 3 मिनट्स के आसपास है, यहीं आप ट्रॉन TRC और इनकी चेन्स देखते हो, दे आर वेरी फास्ट, राइट। तो यही इसी चीज के ऊपर ना ये फास्टनेस का इशू होता है, प्लस कि आप कितनी ट्रांजेक्शंस अपनी चेन पे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, इनको चेन की शार्डिंग करनी पड़ती है, जैसे बिटकॉइन से बिटकॉइन कैश हो गया, इथेरियम से इथेरियम क्लासिक हो गया, ठीक है, इसको चेन शार्डिंग बोलते हैं। जैसे इस चेन पे बहुत ज्यादा लोड है तो डिवाइड हो गया भाई, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास बहुत सारा लोड है तो मैं अपने बड़े भैया पे कुछ लोड भाई उन पे डाइवर्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। मार्केटिंग सेल्स मैं संभाल रहा हूँ तो शिपिंग अकाउंटेबिलिटी वो संभालेंगे, ठीक है, माल का ऑर्डरिंग मैं संभाल रहा हूँ, लॉजिस्टिक्स वो संभालेंगे। तो क्या कर देते हैं, चेन को शार्ड कर देते हैं, जैसे ये इथेरियम थी, ये इथेरियम क्लासिक, उसके अंदर से कट गई, ठीक है। इसी तरीके से BTC की बहुत सारी चेन्स कटी हुई हैं, ठीक है, बट उसके अंदर क्या इशू आता है, 51% वायरस अटैक का इशू आता है। आपने सुना होगा कि भाई सिर्फ 51% वायरस अटैक है जो आपके वॉलेट को हैक करने की हिम्मत रखता है, सिर्फ, मतलब कोई नॉर्मल हैकर नहीं कर सकता, ठीक है, ये मत सोचना कि भाई कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी होती है नॉर्मल बिटकॉइन के वॉलेट की, ऐसा नहीं होता। मतलब किसी के वॉलेट में बहुत तगड़ा माल पड़ा है, पड़े हैं 500-700 BTC, तो डेफिनेटली ब्लॉकचेन के ऊपर 51% वायरस अटैक हो सकता है आपका, ठीक है, इसको 51% वायरस अटैक बोलते हैं। तो कास्पा के ऊपर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इसकी हाई ऑर्फन रेट जो होती है उसको ये अवॉइड करता है अपनी ब्लॉक डैग टेक्नोलॉजी की वजह से। प्लस में वैल्यू एडिशन ये क्या करता है, ये स्केलेबिलिटी के साथ, वेरिएबिलिटी के साथ ये हाई सिक्योरिटी देता है। तो भाई प्रोजेक्ट बहुत तगड़ा है, टीम अगर आप इसकी स्टडी करोगे बहुत धासु टीम है, जो इसका फाउंडर है, ठीक है, उसका नाम बड़ा अजीब सा है यार, गंजा सा है, ठीक है, नाम मेरे को भी याद नहीं है, कुछ ऐसी अजीब सा नाम है उसका, लेकिन उसके बारे में मैंने स्टडी किया था आज से 1.5 साल पहले, वो बंदा हार्वर्ड का है, ठीक है, अच्छी टीम बना के बैठा है। और यार सबसे बड़ी बात है कि बंदा और टीम ना तब देखी जाती है जब प्रोजेक्ट बिल्कुल नया होता है। अब तो उन्होंने चला ही दिया यार प्रोजेक्ट, 3 साल हो गए उनका अप एंड रनिंग प्रोजेक्ट है, कॉन्टिन्यूस प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और मैं ना प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करता हूँ कि भाई उसमें ना भसूड़ी ना हो, ठीक है। जैसे हीलियम के प्रोजेक्ट में दिक्कत क्या थी, हीलियम का प्रोजेक्ट आपको याद है सेंस कैप का, हमने हीलियम का प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया था, ठीक है, तो भाई उसके अंदर भसूड़ा क्या था, हीलियम के अंदर जो लोग उसके अंदर एग्जिट नहीं ले पाए, ठीक है, उसके अंदर भसूड़ा ये था कि यार वो ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, भाई साहब कुछ अलग ही सांप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इजाद कर रहे हैं कुछ अलग ही, ठीक है। मैं यहां पर बैठ के तुम्हें बोलूं कि मैं AI टेक्नोलॉजी पे S6 बना रहा हूं, तो भाई तुम घंटा मत इन्वेस्ट करो। क्यों मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि मैं बहुत बकवास वाला काम करने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें मैं भी फेल होऊंगा, ठीक है भाई। अगर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि सर मैं आपको
अपनी टेक्निकल टीम को इतना अपग्रेड कर दूंगा कि मैं 100% एसिक्स की रिपेयर इंडिया में ही आपको दे दूंगा, तो वो पॉसिबल है। ठीक है, आज के टाइम पे मैं 75% रिपेयर फैसिलिटी दे देता हूं भाई। ठीक है, आपका L7 हो, KS5L12 टराशो, प्रो तक हमने, KS5 प्रो तक हमने ठीक करे हैं। ठीक है, तो भाई ये चीज ना ग्राउंडेड है, तो आप लगा लो कि ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो होते हैं, ठीक है, एल्फियम का प्रोजेक्ट भी अच्छा है, कास्पा का भी अच्छा है, ओवर एम्बिशियस के टाइम पे भाई मेरे को हीलियम ही याद आता है, और हाँ हमने चोट भी खाई है हीलियम के प्रोजेक्ट में, तो हीलियम का ही प्रोजेक्ट मुझे याद आता है ओवर एम्बिशन के अंदर। तो ये तो भाई हो गया आपकी कास्पा की प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, टीम वगैरह सब अच्छी है, और बाकी आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया। ठीक है, और इसने माइनिंग के अंदर क्या किया था भाई, माइनिंग के अंदर ना इसने रिलायबिलिटी ओवर पूल्स खत्म कर दी थी। मतलब जैसे अगर आज आपको बिटकॉइन का ब्लॉक हिट करना है तो भाई आप बिना पूल के कर ही नहीं पाते हो, सोलो माइनर जो बेचते ना बैठ चुकी है। ठीक है, मतलब सोलो माइनर का ना कोई लॉजिक मेरे को ज्यादा समझ नहीं आता। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, मेरे पास काफी इंक्वायरी जनरेट हुई कि भैया सोलो माइनर, तो भाई देखो सोलो माइनर का हमें नहीं ज्यादा लॉजिक समझ आता। हाँ, कोई बेच रहा है तो उसको मार्जिन मिल रहा है, वो बेच रहा है, जो खरीद रहा है वो भी, हाँ, बट ये मत सोचा करो कि लॉटरी लगी जाएगी। ठीक है, वो उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत रेयर होती हैं गाइस। ओके, बाकी भाई मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से अपने कास्पा माइनर से एग्जिट लेनी है। ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं KS0 Pro Ultra, यप, ठीक है, KS0 Pro Ultra जो सबसे पहले आया था, $1,500 का लॉन्च हुआ था, बहुत यूनिट्स मैंने भी बेची। ठीक है, अब भाई अप्रोक्सीमेटली मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, जिस बंदे ने फरवरी में लिया है, मेरे पास कल ही मेरी वो क्लाइंट आई हुई थी, उन्होंने दो माइनर्स लिए थे, उनके पास टोटल 1500 सिक्के माइंड थे। ठीक है, अभी एक्टिवली KS0 अल्ट्रा नहीं, KS0 नॉर्मल जो आपका आता है ना 200G वाला, ठीक है, जो अल्ट्रा है वो 400G का है भाई, वो माइनर अगर किसी ने लाख रुपए का ले रखा है, उसके पास अप्रोक्सीमेटली, मैं फरवरी बैच का बता रहा हूँ आपको, फरवरी से अब तक हम सितंबर में बैठे हैं, तो उसकी एग्जिट पॉइंट क्या होनी चाहिए भाई, उसका एग्जिट ये होना चाहिए कि उसके पास नियर अबाउट एक माइनर पे 700 से 800 सिक्का माइंड होगा। वो बंदा क्या करे, 5,000 से 10,000 रुपए का कास्पा और खरीदे। ठीक है, जितना भी उसको कास्पा मिलता है वो होल्ड ऑन कर ले उसके साथ ही। ठीक है, उसको आराम से विद इन 6 months एग्जिट मिल जाएगी। मैंने कल ही हिसाब मारा है उनके लिए, अपने क्लाइंट के लिए, उनके पास दो माइनर हैं। ठीक है, वो मुझसे यही पूछ रही थी कि भैया मैं क्या करूं, तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया, मैंने कहा मैम अभी ना तो आपको माइनर बेचना है, ना ही आपको अपना सिक्का बेचना है। वो सिक्का बेचने आई थी मेरे पास। ठीक है, तो गाइज मैं ये फैसिलिटी भी देता हूँ अपने सारे पर्सनल क्लाइंट्स को। ठीक है, और किसी के लिए फैसिलिटी नहीं है, बट मेरे पर्सनल क्लाइंट्स मुझे ही अपना कॉइन बेच सकते हैं, दैट विल हेल्प हिम इन टैक्स कॉम्प्लायंस प्लस। ठीक है, आपकी मतलब कच्चे से पक्के में कुछ हो जाता है, अगर और डिटेल्स चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, आई विल गिव यू द सोल्यूशन। ठीक है, तो वो आए थे तो मैंने उनको गाइड किया कि नहीं मैम यू डोंट हैव टू डू इट। ठीक है, प्लस मैंने उनको इम्पोज किया कि मैम 20,000 का कास्पा खरीदो और अपने दोनों वॉलेट्स में डालो, 10,000 का इसमें, 10,000 का इसमें, उनको एग्जिट मिल जाएगा। नाउ कम्स जिन बंदों ने हाई रेट पे KS5L12 टेराहैश लिया। तो गाइस मैंने अपने घर के अंदर 12 टेराहैश लगा रखे हैं, दो यूनिट 11,85,000 का मैंने खरीदा। ठीक है, मार्केट में उस टाइम पे नियर अबाउट 12.5 लाख का चल रहा था। ठीक है, दो यूनिट लगाए, मैं मान गया उस टाइम पे 1,25,000 रुपए, 1.5 लाख की रिटर्न थी पर मंथ। ठीक है, लेकिन कास्पा कितना माइन कर रहा था, 8,000 सिक्का के आसपास माइन कर रहा था KS5L12 टेराहैश। तो मैं अपने सिक्के इकट्ठे कर रहा हूँ दबा के। ओके, अब क्या हुआ, मेरे पास दो माइनर है, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, नियर अबाउट मैं 12 लाख के हिसाब से पकड़ लेता हूँ, 24 लाख रुपए। ठीक है, सब लोग इसी हिसाब से रिलेट करना। ओके, मेरी परचेज थी भाई मेरे बर्थडे से एक महीना पहले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में मैंने लिया था। ठीक है, मई में मेरा बर्थडे, फिर भाई क्या हुआ, बैच का प्राइस रिवाइज हुआ और मैंने बैच की पंचिंग करी 5,85 के अंदर, अपनी 4 यूनिट मैंने और डाली। ठीक है, तो नियर अबाउट मैंने 24 लाख रुपए ऑन इन्वेस्ट कर दिए, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी गाइस 48 लाख रुपीज। 48 लाख रुपीज में मुझे क्या मिल गया, 48 लाख रुपीज में मेरे को नियर अबाउट 12 × 6 माइनर्स, मतलब 72 टेरा हैशेस मुझे मिल गई। ठीक है, अब क्या होता है गाइस, अब आपको फिर से एवरेज बनानी है। ठीक है भाई, रेवेन्यू 50,000 चल रहा है, बहुत होता है रेवेन्यू। ठीक है, अगर आप रेवेन्यू की बात कर रहे हो तो अब क्या हुआ भाई, अब इसका प्रोडक्ट का प्राइस आ गया KS5L12 टेरा हैश का 2,50,000 रुपए के आसपास, मतलब मैं 2,50,000 का बेच रहा हूं, मेरे को ऑब्वियसली 10-20,000 रुपए सस्ता ही पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, 8 यूनिट और ले ली भाई। ठीक है,
अब आप ये लगा लो कि 8 इंटू में 12 प्लस में 72 टेरा हैश मेरी पुरानी वाली, तो भाई ए 168 टेरा हैश का मैं मालिक बन गया। और मैंने टोटल स्पेंड कितना किया, 24 प्लस में 8 को मैं 2.5 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 20। तो भाई मेरी एवरेज आ गई 68 लाख रुपए। 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भाई मेरे पास बहुत तगड़ी टेरा हैशेस आ गई, अप्रॉक्सीमेटली 170 टेरा हैशेस के माइनर मेरे पास लग जाएंगे। ठीक है, जो बैच मेरा 8 माइनर वाला है वो नेक्स्ट मंथ आएगा भाई, उसकी बुकिंग स्टार्ट है 31 सितंबर में, बैच की हमें हांगकांग में डिलीवरी मिलेगी। ठीक है जी, समझ गए आप। तो ऐसे आप एवरेज बना सकते हो, मतलब किसी ने फॉर एग्जाम्पल मुझसे खरीदा या किसी और से भी खरीदा है, उसने अगर पिछले महीने 5 लाख का, 5.5 लाख का, कुछ लोग 4.70 का भी बेच रहे थे अगर लिया है, तो तुम करो क्या, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है तुम 2 माइनर्स और ले लो, तुम्हें 10 लाख रुपए के 3 माइनर्स पड़ गए 36 टेरा हैशेस। ठीक है, 36 टेरा हैशेस के हिसाब से तुम जब देखोगे तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का रेवेन्यू, 1.5 लाख का रेवेन्यू आ रहा है, तो तुम्हारी एवरेज बन गई। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और इन्वेस्ट करने के लिए, तो सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या है भाई, अगर आपके पास, भाई तुम्हारे पास सोचो कि 5 लाख रुपए ही थे जो तुमने सारे इन्वेस्ट कर दिए वन गो शिफ्ट में, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है भाई, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तुम अपनी आउट ऑफ पॉकेट भरो, और जितना तुम्हारा कास्पा है उसकी होल्डिंग मचाओ भाई। ठीक है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं 6 मंथ्स में तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 25,000 सिक्का होगा, और 25,000 सिक्के को जब तुम एक हाई रेट पे बेचोगे तुम्हें बहुत प्यारी एग्जिट मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो ये भाई तुम्हारी स्ट्रैटेजी है कि तुम्हें किस तरीके से एग्जिट लेनी है। ठीक है, प्लस अगर आपके पास छोटा माइनर है, सेम स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, अपने 2 माइनर और खरीद लो रिवाइज प्राइस पे, इससे नीचे नहीं जाएगा प्राइस, मैं तुम्हें लिखतम में दे देता हूं। ठीक है, आने वाला है वक्त, 1.5-2 महीने में क्लैरिटी आ जाएगी आपको भी और मेरे को भी। ठीक है, अब मैं आपको कर देता हूं गाइस प्राइस अपडेट। ठीक है, आपका देखो यार, KS0 और KS0 अल्ट्रा कोई मुझसे मंगवाता है, मैं मंगा के दे देता हूँ 45,000 रुपये में। ठीक है, अब आ जाओ KA बॉक्स 1.6 टेरा हैशेस। ठीक है, KA बॉक्स जो छोटे वाला आपका बॉक्स है, यहाँ फोटो लगवा देंगे KA बॉक्स की, तो 1.6 टेरा हैशेस का जो आपका माइनर है, ये आपको विद पावर सप्लाई मैं दे दूंगा रेडी स्टॉक 90,000 रुपीज में। ठीक है गाइस, 1.6 टेरा हैशेस अप्रॉक्सीमेटली कितने कॉइन माइन कर दे रहा है, 350 कॉइन माइन कर दे रहा है पर मंथ। तो भाई अब से आप थोड़े से मैच्योर हो जाओ कि कास्पा का रेवेन्यू देखना बंद करो। ठीक है, और कास्पा कितना इकट्ठा कर पा रहे हैं वो देखो। ठीक है, मशीन है, मशीन भाई काम करती रहेगी सालों साल, ऐसा भी समय आएगा, 2 साल तो हो ही गए हमें मशीनों को देखते हुए, भाई माइन तो सारी करती हैं। ठीक है, दूसरा भाई आप आ जाओ उसके बाद KS3M60 पे। KS3M60 भाई अब हांगकांग में अवेलेबल नहीं है, जो यूज्ड कैटेगरी है, यूज्ड कैटेगरी के अंदर आपको रफली 2 लाख रुपए के आसपास मिल जाती है KS3M60। ठीक है, अब आ जाओ KS5L12 टेरा हैश के अंदर, जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मैं यहाँ फोटो लगवा देता हूँ 12 टेरा हैश की, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है 12 टेरा हैश। आप 1 मंथ बुकिंग पे 100% प्री ऑर्डर पे मुझसे अगर लोगे, मैं आपको 2.49 लाख में दे दूंगा। ठीक है, अगर किसी भाई ने 4 यूनिट बुक करनी है तो भी यही प्राइस है मेरे भाई, मैंने 250 यूनिट्स पंच कर रखी हैं, एंड बाकी जो भी वेंडर कह रहे हैं कि हम मंगा देंगे, भाई एक स्लॉट साइज है जो वहां से आ सकता है, तो बाद में लोग ऐसा करेंगे कि पेमेंटें वापस करेंगे लोगों की। ठीक है, कि भैया मेरे पास ऑर्डर नहीं कंप्लीट हो पाया तो सबकी पेमेंटें रिटर्न कर दी, मंथ एंड पे नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, बाय टाटा बाय बाय। लेकिन अगर मैं आपसे बुकिंग लूंगा तो भाई मैं तुम्हें माल डिलीवर करूंगा इसी बैच के अंदर, 100% माल डिलीवर करूंगा 12 टेरा हैश का, अगर मैं आपको कमिट करके चल रहा हूं तो। ठीक है, KS5 Pro 21 टेरा हैशेस आपको अक्टूबर बैच मिल रहा है नियर अबाउट 8.5 लाख रुपए का। ठीक है, तो आप उसको भी प्री बुक करा सकते हो 8.5 लाख रुपए में, बहुत अच्छा माइनर है, नियर अबाउट 7,500 सिक्के माइन करके दे देता है। ठीक है, पर मंथ। ओके, एंड गाइस डीम करके चलो कि डिफिकल्टी बढ़ेगी, बहुत अच्छा है, बस एक रूल याद रखो यार जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, डिफिकल्टी राइज सप्लाई विल फॉल प्राइस विल राइज। ठीक है, तो प्राइस का वेट करना है, इंटरमिली जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपको उसके लिए अडैप्ट करना है, यही एक स्ट्रैटेजी है भाई जिससे आप FX माइनर को प्रॉफिटेबल कर सकते हो। मैं आउट ऑफ 6 ईयर्स एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, मैं 6 साल से ये
काम को देखते हुए आ रहा हूँ, ऑब्जर्व करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बहुत हाई है मेरी, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं 3 बार इस गेम के अंदर फंसा हूँ, 3 बार निकला हूँ और 3री बार समझ आया था कि अरे यार ये करना होता। तो मैं भाई तुम्हें अपने 6 ईयर एक्सपीरियंस का निचोड़ आपको मैंने दे दिया भाई, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिस्कस कर दी हैं। प्राइस मैंने अपडेट कर दिया है, आई होप मेरे एडिटर साहब यहाँ पर जो मैंने फोटोज बोली हैं लगा देंगे, ठीक है। तो कास्पा की सीरीज में 100% बेचिंतक इन्वेस्ट करो भाई। बाद में जो भी बंदा मुझसे परचेज कर रहा है, आई विल हेल्प देम रीसेल ऑल्सो। अब रीसेल वैल्यू क्यों होगी इसकी, ये भी ध्यान में रखो भाई। 90 बिकता है ना, 90 क्यों बिकता है, 90 11-12 हज़ार रुपये महीना दे रहा है आपको, तब भी 90 टैराश कुत्ते की तरह बिकता है इंडिया के अंदर, क्योंकि फ्री बिजली बहुत है लोगों के लिए, ठीक है। मैं 100+ यूनिट बेचता हूँ हर महीने, 100+ यूनिट बेचता हूँ। 100 बंदे मेरे पास मतलब फ्री बिजली वाले आते हैं, और वो सारे ऐसे बंदे होते हैं कि भैया मैं 1 लगा के देख रहा हूँ, ठीक है। तो यार फ्यूचर में तुम्हारे ये वाले माइनर इन केस आफ्टर 7 मंथ्स 8 मंथ्स इनकी कोई वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी, ठीक है भाई। तुमने बस उतना ही सिक्का माइन कर लिया, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। और बात करें कि भाई कोई लोग क्वेश्चन करते हैं कि भैया आप अगर इतने बुलिश हो कास्पा के लिए तो आप सिक्का क्यों नहीं होल्ड करवा देते। ब्रो रिस्क एपेटाइट, ठीक है, एपेटाइट बोलते हैं भूख को, ठीक है। रिस्क एपेटाइट आपके अंदर, रिस्क एपेटाइट प्रॉपरली एक्यूमुलेटेड होनी चाहिए। अगर आप धुरंधर हो ना, ठीक है, तभी ट्रेडिंग करो, और अगर आप धुरंधर हो तभी आप स्पॉट के अंदर होल्डिंग करो इन सिक्कों की। जिस दिन दुगना होगा ना तुम बेच के भाग जाओगे, ठीक है, और जिस दिन आधा होगा तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो भाई उससे बेस्ट है कि तुम माइनिंग ही करो, प्रॉस्पेक्ट बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है भाई। मैं पहले गाड़ियों में इन्वेस्ट करता था, अब मेरा रुझान थोड़ा सा प्रॉपर्टी की तरफ है, मे बी बिकॉज ऑफ एज डिफरेंस और जो मैंने पीछे धक्के खाए, ठीक है, या फिर जो मैंने लॉसेस कमिट करे, मुझे ऐसा लगा कि मेरे को अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। दोनों इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है, गाड़ियों में भी कोई तोड़ नहीं है, डेप्रिसिएशनिंग होती है, बट मैं हमेशा प्री ओन्ड लग्जरी कार्स लेता था, दोनों ही वो है, ठीक है। एसेट ही तो है, ये भी एसेट है, इसको मैं चला पाता था, दिखा पाता था, इंजॉय कर पाता था, इसको इतना नहीं कर पाता, ठीक है। तो भाई दोनों ही एसेट्स हैं, आपकी दोनों ही वे में इन्वेस्टमेंट और एसेटाइजेशन है, ठीक है, लेकिन कौन सी बेटर है आपके लिए वो आप चूज करो। अगर आप पुष्ट इंसान हो, आपके 8-10 धंधे चल रहे हैं, 3-4 ठेके चल रहे हैं, ठीक है, और ऐसे बंदे हैं मेरे पास, ठीक है, जो 3 बॉडीगार्ड के साथ घूम रहे हैं, तो ये नहीं पता कि कितनी प्रॉपर्टी है, बिल्डर लेवल का बंदा है भाई, वो लेता है 50-50 करोड़ का क्रिप्टो और उसकी मारता ट्रेडिंग या उसकी मारता होल्डिंग, वो बंदा जीतता है भाई, ठीक है। आप नहीं जीत पाओगे, फटके हाथ में आ जाएगी, और भाई मेरी फटके हाथ में आ जाती, मैं कभी ट्रेडिंग नहीं करूंगा, और भाई जबकि मैं क्रिप्टो जब से कोर्स करके बैठा हूं तब भी नहीं करता मैं, क्यों भाई, नहीं लगी मुझे अपनी वो, मैं लॉस लेने की प्रोबेबिलिटी मेरी बहुत हाई है, मतलब पता लग रहा है कि मैंने किसी दिन घर ही बेच दिए अपने, ठीक है, मैं लॉस नहीं कमिट करता था मैं, और इतने फंड्स मेरे पास थे नहीं, ठीक है। तो मैंने एक दिन के अंदर 11 लाख और टोटल मैंने 40 लाख का नुकसान दिया हुआ है विद इन अ मंथ। तो वो दिन और आज का दिन, मतलब मेरी स्ट्रगलिंग फेज की बात बता रहा हूँ तुम्हें, वो दिन और आज का दिन मैं नहीं ट्रेडिंग करता। बाकी आपको मैंने ऑलमोस्ट सारा अपडेट कर दिया। बाकी तुम्हें एक बढ़िया फन फैक्ट बताता हूँ, कास्पा की वीडियो है तो कास्पा का बताता हूँ, कास्पा का नाम कास्पा कैसे पड़ा, ठीक है। जो कास्पा वालों की जो माइंडसेट है ना, वो ये है कि सर्कुलेशन के अंदर, जैसे पुराने टाइमों में दोस्तों क्या होता था कि गोल्ड हाई वैल्यू का था, लेकिन जो चांदी था ना, जो सिल्वर था, वो सिल्वर ज्यादा सप्लाई के अंदर था, लेस एप्रिशिएटेड था, लेकिन उसकी टोटल सप्लाई ज्यादा थी मार्केट के अंदर, उसकी वैल्यू कम थी, ठीक है। तो अरबिक के अंदर, लैंग्वेज के अंदर जो कास्पा होता है ना, दो आप सर्च करना, कास्पा का मतलब होता है मनी या फिर सिल्वर। तो ऐसे इस क्वाइन का नाम कास्पा पड़ा, ठीक है, कास क्वाइन, ठीक है, अपन बोलते भी है ना कास, ठीक है। तो कास्पा का ये वो है, ठीक है, इसको आप अरबिक लैंग्वेज के अंदर देखोगे तो इसका मतलब सिल्वर होता है, ठीक है, इनकी ये फिलॉसफी है। तो इस माइंड सेट के अंदर आ जाओ भाइयों, ठीक है, तब जाके माइनिंग के अंदर घुसो, नहीं तो कोई बात नहीं है, और भी बहुत धंधे होते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें बोलूंगा भाई जरूर करो, ट्रेडिंग भी करो, लेकिन अपनी रिस्क एपेटाइट अपने आप को समझ के। यार मुझे अपने आप को देखना है ना कि मैं जिम में अगर 150 किलो मार रहा हूँ, ठीक है, अब मेरी मसल ही ना हो उतनी तो क्या फ़ायदा है। तो माइंड इज ऑल्सो मसल ना, तो अगर मेरा माइंड इतना रिस्क एपेटाइट नहीं ले सकता, ठीक है, मेरी गात की क्षमता उतनी नहीं है, तो ठीक है अवॉइड करो, राइट। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कास्पा माइनिंग का फ्यूचर मैंने बता दिया आपको, कास्पा माइनिंग का प्रोजेक्ट बता दिया, कास्पा का
कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना है आपको बता दिया, KS5 और 12 टेरा हैश का अपडेटेड प्राइस बता दिया, आपको कोई भी कास्पा माइनर लेना है मैं आपको 1+2 ईयर वारंटी सपोर्ट के साथ दूंगा अपना माइनर, प्लस जितना भी माइनर होगा आपका 100% ओजी होगा, 400 BC का केस ठोक देना अगर मेरा प्रोडक्ट ओजी ना निकला। ओजी और रिफर पे भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, फुल फ्लेजेड विद प्रूफ समझाऊंगा क्या है, ठीक है भाई। एंड आपको आई विल हेल्प यू यूज माई डाटा बेस एंड आपका माइनर जब भी सेल करना होगा आई विल हेल्प यू इन दैट। फोर्थ थिंग, मैं आपका जो भी क्रिप्टो माइन होगा एट करंट मार्केट प्राइस ही लूंगा, ठीक है, सो दैट के आप टैक्स कंप्लायंस से थोड़ा सा गार्डेड रहो, कैश में ट्रांजेक्शन करनी हो कुछ भी हो तो आई विल, जितना भी मेरा नेटवर्क है किसी भी चीज़ का, सर्विस से ओरिएंटेड हो, प्रोडक्ट से ओरिएंटेड हो या फिर रीसेल से ओरिएंटेड हो या क्रिप्टो से ओरिएंटेड हो सेलिंग के लिए, वो सारा नेटवर्क मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करूंगा। एंड गाइज ये जो सर्विसेज हैं ये एक्सक्लूसिव मैं अपने क्लाइंट्स को प्रेफरेंस दूंगा, हाँ जो कोई दूसरा भाई परेशान है उसको भी देंगे। और बाकी भाई टेक केयर, कीप माइनिंग, कुडोज़।